बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज काफ़ी दिनों के बाद मैं अपने चैनल के ऊपर दोबारा से वीडियोस बनाने का सिलसिला कंटिन्यू कर रहा हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्नेक प्लांट के हवाले से, जो कि मैंने अपने रूफटॉप गार्डन के ऊपर एक बेड के ऊपर लगाया है। और दोस्तों, इस बेड को मैंने पूरा डेडिकेट कर दिया है इस मकसद के लिए कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्नेक प्लांट की ही प्रोपोगेशन करूँगा। तो दोस्तों, इसकी प्रोपोगेशन के मेथड्स कई होते हैं। बुनियादी तौर पर ये अपने सकर प्लांट से ग्रो करता है, और इसके अलावा ये अपने लीव से भी ग्रो करता है, जिसको हम विविपारी भी कहते हैं। तो दोस्तों, ये इसकी प्रोपोगेशन के मेथड्स हैं। और दोस्तों, इसकी हम सनलाइट के हवाले से अगर बात कर लें तो दोस्तों, बेसिकली ये एक डेजर्ट प्लांट है, जो कि सख्त कंडीशंस को भी बर्दाश्त कर लेता है। तो इसको हम एक अगर ऐसे स्पॉट पे लगा दें जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट आती हो, तो दोस्तों वहाँ पे भी ये अच्छा ग्रो करता है। मगर मैंने इसको थोड़े से पार्शियल शेडी एरिया पर लगाया है, ताकि मेरी जो सक्सेस रेट है वो बहुत अच्छा रहे। और यही बात है कि मेरे प्लांट्स बहुत उम्दा तरीके से उग रहे हैं, क्योंकि इनकी जो नेचर के हवाले से मैंने सेटिंग की है दोस्तों, वो इसके साथ बिल्कुल सिंक्रोनिटी रखते हैं। और इसको मैंने एक ऐसे पॉइंट पे लगाया है जहाँ पे इसको सनलाइट भी मिलती रहे और शेड भी मिलता रहे। तो दोस्तों, इस मिट्टी में मैं यूज़ कर रहा हूँ दरिया की मिट्टी, जिसको हम लूम सॉइल कहते हैं। और जैसा कि मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बताया कि लूम सॉइल एक बेस्ट सॉइल मानी जाती है गार्डनिंग के हवाले से और फार्मिंग के लिए, क्योंकि लूम सॉइल अपने अंदर बेशुमार न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब रखती है। और दोस्तों, अल्टीमेटली जो हमारे प्लांट्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं, क्योंकि मिट्टी न्यूट्रिएंट रिच होती है। और इसके अंदर अगर हम मज़ीद ऑर्गेनिक मैटर भी शामिल कर लें तो दोस्तों, उससे मिट्टी की फर्टिलिटी इंक्रीज़ ही करती है। ये मेरे एलोवेरा के प्लांट्स, जिनको मैं बहुत जल्दी यहाँ से शिफ्ट कर दूँगा, और ये पूरे के पूरे बेड के ऊपर सिर्फ और सिर्फ मैं स्नेक प्लांट को ही ग्रो करूँगा। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लग रही है। आप मेरे YouTube चैनल अर्बन किचन गार्डनिंग को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम प्रोफेशनल गार्डनिंग की बातों को कंटिन्यू रखें। और दोस्तों, मैं अपना नॉलेज आपके साथ शेयर करता ही चला जाऊँ। बेसिकली मैंने छोटा सा सेटअप डेवलप किया है, जहाँ पे मैं डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करता हूँ, क्योंकि दोस्तों हम एक प्रोफेशनल गार्डनर्स हैं, तो इसलिए ये मैंने अपना हॉबी रखा है और मैं अपना यहाँ पे टाइम स्पेंड करता हूँ। बिल्कुल दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे तो मेरे सारे के सारे प्लांट्स हरे भरे हैं, और बहुत कम यहाँ पे नुकसानात इस हवाले से होते हैं कि मेरे प्लांट्स को डायरेक्ट सनलाइट से जो मुख्तलिफ बीमारियाँ होती हैं दोस्तों, इसलिए मैं अपने प्लांट्स के लिए नेट क्लॉथ का अरेंज करूँगा अपने गार्डन में, और आपके साथ भी शेयर करूँगा। अगर आप नेट क्लॉथ के मुतलिक जानना चाहते हैं तो दोस्तों, इस पे मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, जो कि आप आसानी देख सकते हैं। और दोस्तों, मैंने आपको जैसा पहले बताया कि मैंने स्नेक प्लांट का वो बेड था, और ये आपके सामने माशाल्लाह से इतने सारे एलोवेरा के प्लांट्स हैं, जिसको मैंने पॉट्स में और बेड के ऊपर ग्रो किया है। क्योंकि दोस्तों, हर प्लांट एक अपनी डिफरेंट स्टेज के ऊपर है, और उसकी डेप्थ और न्यूट्रिएंट्स के हवाले से डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है। तो दोस्तों, अब यहाँ पे चूँकि डायरेक्ट सनलाइट आ रही है और एलोवेरा बिल्कुल एक सेंसिटिव प्लांट है, तो इसको मुझे यहाँ से मूव करना होगा। दोस्तों, यहाँ पे मैं देख सकता हूँ एलोवेरा के ऊपर मुझे ये इसकी येलोइश और ब्राउनिश
कलर्स नज़र आ रहे हैं जो कि इसके अंदर ये शो कर रहे हैं कि ये डायरेक्ट सनलाइट और हीट को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। तो इसको मैं नीचे छत के ऊपर ले जाकर शेडी एरिया में रख दूँगा ताकि ये अपनी ग्रोइंग को कंटिन्यू रखे और सख्त मौसम से बच सके। दोस्तों आप अब मुझे इजाज़त दीजिए, मैं हाज़िर हूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियोस के साथ। तब तक के लिए अस्सलामुअलैकुम।